Hi friends, today we are going to learn coordinate valency or coordinate bond, hydrogen bond and metallic bond. Let's see one by one. Coordinate valency: when an atom having a complete octet donates a pair of free valence electron to another atom which is short of two electrons, is called coordinate valency or coordinate bond. What happened in the coordinate valency or coordinate bond? If that atom is already completed its octet, means that atom is already stable, then क्या होता है उसके बाद? अगर वो already stable है फिर भी समझो कोई atom को दो electron चाहिए है, तो अगर उसके पास octet पूरा होने के बाद भी अगर उसके पास two pairs of electron available है, free electrons, then that electron will be lost. That type of valency is called as coordinate valency, or that type of bond is called as coordinate covalent bond. So what happened? Let's see example. In the formation of NH4 ammonium ions, in the NH4 what happens? See, nitrogen having atomic number 7, means in the last energy level of nitrogen, how many electrons are there? 5 electrons are there, and there are 4 hydrogens. See, each hydrogen having a only one electron. Here H plus is an ion. Now what happened? This is a NH3 molecule, means yahan pe kya hua hai? Each hydrogen share one electron with a nitrogen, means nitrogen also use one electron of each hydrogen. मतलब नाइट्रोजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑक्टेट और हाइड्रोजन ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट. तो ऐसे केस में क्या होता है? सो क्या है, व्हेन एन एटम हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट, अगर वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है तो डोनेट्स अ पेयर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट एनर्जी लेवल ऑफ एनी एटम. ये लास्ट एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, एच प्लस है, मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट पूरा करने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन विल लूज दिस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस एच प्लस. सो व्हाट विल फॉर्म? नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे वन लोन पेयर इज लूज टू दिस हाइड्रोजन. सो दिस बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एरो. So this is the formation of NH4+. Let's see another example in the case of formation of SO2. SO2 में क्या होता है? SO2 means कितने एटम है इसमें? तीन एटम है, एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन. सल्फर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या होता है? इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, यू नो ऑक्सीजन हैविंग एटम नंबर 8, मीन्स 2.6. इन द लास्ट एनर्जी लेवल ऑफ ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6. सल्फर हैविंग एटम नंबर 16 मीन्स 2.8.6, मतलब लास्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, दिस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, दिस सल्फर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें? ऑक्सीजन और सल्फर में. अब यहाँ पे देखो, सल्फर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑक्टेट, यहाँ पे 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है. तो यहाँ पे जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल. तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? दो चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डोनेट टू दिस ऑक्सीजन. मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर इज वन लोअर, सो सल्फर डोनेट वन लोन पेयर टू द ऑक्सीजन. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? इन द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन टाइप, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या होता है? ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम,
कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऑलरेडी हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्डेड है, मतलब एक हाइड्रोजन का कंपाउंड पकड़ो. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन द वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए वाला है. तो उसमें क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के साथ वो हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करता है. मतलब यहाँ पे देखो एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल है, ये ब्लैक जो दिख रहा है आपको दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस व्हाइट शेड इज कॉल्ड इज हाइड्रोजन. सो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल. अभी जो उसके आसपास वाले जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से ये हाइड्रोजन ये ऑलरेडी जो कंपाउंड क्या है इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे साथ वाले मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करेगा. सो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन का कौन सा भी कोवेलेंटली कंपाउंड है उसमें का ऑक्सीजन अगर सेम कंपाउंड में या दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट, द मेटेलिक बॉन्ड. व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, द मेटेलिक बॉन्ड मीन्स सिंपल, मेटेलिक बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल एटम. मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर द मेटल, नेम इंडिकेट्स दैट मेटेलिक बॉन्ड फॉर मेटल. कौन से भी मेटल में, समझो कौन सा मेटल है, झिंक है. झिंक में क्या है, झिंक में दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ झिंक. अराउंड द न्यूक्लियस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो इन द लास्ट एनर्जी, अगर लास्ट एनर्जी लेवल में जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. सो देर इज अ अट्रैक्शन इन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आइटम, मतलब न्यूक्लिया, न्यूक्लियस यानी केंद्र, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन है उस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं. मेटेलिक बॉन्ड मीन्स नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल एटम और द मेटल न्यूक्लिया. ओके, थैंक यू.